सभी भाई लोगों का एमएस का सैल्यूट। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करेंगे ऑटोटॉनिक CT6Y1 के टाइमर ऑपरेशन के बारे में। इस मॉड्यूल के ऊपर सबसे पहले हमारे पास ये सिक्स डिजिट डिस्प्ले है जो कि हमारा टाइम ऑपरेशन को टाइम रनिंग ऑपरेशन को इंडिकेट करता है। नीचे वाला डिस्प्ले हमारी सेट टाइम या प्रीसेट वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। पीएस लाइट इंडिकेटर हमारा इंडिकेट करेगा जब हम प्रीसेट सेटिंग टाइम में होंगे। लॉक इंडिकेटर हमारा इंडिकेट करेगा कि हमारे पैनल्स वगैरह अगर लॉक होंगे तो फिर ये लॉक लाइट को इंडिकेट करेगा। और जो टाइमर ऑपरेशन की लाइट इंडिकेट होगी जब हम एक टाइमर जब हमारा कंट्रोलर टाइम के लिए कन्फिगर्ड होगा। अभी ये काउंट की लाइट इंडिकेट हो रही है तो इट मीन्स ये हमारा काउंटिंग के लिए कन्फिगर्ड है। तो इसके ऊपर जो बटन से उस बटन को एक बार देख लेते हैं। जो ये हमारे पास ये रीसेट बटन है टाइम को रीसेट करने के लिए। जब इसको प्रेस करेंगे तो टाइम हमारा रीसेट हो जाएगा। ये अप डाउन प्रोग्रामिंग बटन से इनसे हम वैल्यूज़ और प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। ये MD बटन है प्रोग्रामिंग मोड में एंटर करने के लिए। पीछे हम लोग इसकी कनेक्शंस की अगर बात करें तो 5 और 8 पे हमें पावर सप्लाई देनी है 220 वोल्टेज। और हमारा 0 से 0 5 ये रीसेट बटन है, रीसेट के लिए इनपुट है, डिजिटल इनपुट से 3 to 1 ये हमारा एनकोडर के लिए है। और जैसे हम लोग MD बटन मोर देन 3 सेकंड प्रेस करेंगे वैसे ही हम लोग इसके ऑपरेशन मोड में चले जाएंगे। सबसे पहले ये पूछ रहा है ये काउंटर टाइप, ये हमारा काउंटर सेलेक्ट है तो ये काउंटर टाइप है। अभी ये काउंटर के लिए सेलेक्ट है, इसको टाइमर के लिए सेलेक्ट करने के लिए अप डाउन वाला बटन दबाएंगे तो हमें TRE काउंट टाइप टाइमर आ गया तो ये टाइमर के लिए सेलेक्ट कन्फिगर हो जाएगा। MD बटन प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन उसमें जाएंगे। ये हम हमारे लिए ये हमें अब इंडिकेट कर रहा है क्या सेलेक्ट करें, काउंटर टाइमर सेलेक्ट करने के लिए। जो हमारा टाइम रेंज है उसके लिए ये कर रहा है सेलेक्ट करने के लिए। अभी क्या हमारा टाइम रेंज सेकंड के लिए सेलेक्टेड है, नीचे करेंगे तो हॉर्स के लिए सेलेक्ट हो जाएगा कि ये हर मतलब घंटे के लिए कन्फिगर्ड हो जाएगा। फिर ये हावर मिनट्स के लिए और मैक्सिमम टाइम रेंज के लिए। अभी हम इसको सेकंड्स में टाइम रेंज इसका सेलेक्ट करके रखते हैं। और जैसे मोड का बटन प्रेस करेंगे तो MD का बटन जैसे प्रेस करेंगे ये अप डाउन काउंटिंग है, अप काउंटिंग है, डाउन काउंटिंग है, या अब इसमें अप टाइमर यूज़ कर सकते हैं और डाउन टाइमर यूज़ कर सकते हैं। हम इनिशियली अप टाइमर सेलेक्ट करके रखते हैं फिर MD को एक बार प्रेस करेंगे। ये DSPR ये टोटल डिस्प्ले वैल्यू करने के लिए यूज़ कर रहा है कि हमें जो हमें टाइमर डिस्प्ले करना है, जो नीचे जो डिस्प्ले होगा वो टोटल डिस्प्ले टाइम होगा, जितना टाइम चलेगा वो टाइम डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट हम MD बटन को एक बार दोबारा प्रेस करेंगे तो ये हमें डाटा का ऑप्शन दिखाता है कि डाटा को हमें लास्ट रिकॉर्डेड डाटा को क्लियर करना है या रिकॉर्ड करना है। इट मीन्स जो पावर कट होगा अगर ये क्लियर मोड पे होगा तो जैसे हमारा पावर कट होगा तो उसमें जो लास्ट टाइमिंग डाटा होगा वो इरेज हो जाएगा और ये फिर टाइमिंग इसकी 0 से स्टार्ट होगी। अगर रिकॉर्ड ऑप्शन सेलेक्टेड होगा तो फिर अगर पावर कट होता है तो लास्ट जो टाइमिंग रिमेन थी उस टाइम से कंटिन्यू करेगा। रिटेंटिविटी के लिए है डाटा, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्नल इनपुट। हम सिग्नल NPN या PNP यूज़ कर सकते हैं बट अभी ये क्या है कि ये पर्टिकुलर हमारा मॉड्यूल NPN के लिए ही है। नेक्स्ट हमारा ये है हमारा इनपुट INT इनपुट। ये हमें इनपुट टाइम मिली इनपुट जो हमारा जो डिजिटल इनपुट्स हैं वो हमें इसको सिग्नल इनपुट मिली सेकंड्स में मिलना है या सेकंड्स में मिलना है। वन हमारा सेकंड्स के लिए वन मिली सेकंड के लिए, ये 20 मिली सेकंड्स के लिए जो हमें इसको डिजिटल इनपुट सेट और रीसेट की जो इनपुट मिलेगी और टाइमर स्टार्ट की जो इनपुट मिलेगी वो पल्स कितने मिली सेकंड्स की होगी, ठीक है। अभी लॉक है पैनल लॉक के लिए लॉक वन ये हमारा रीसेट और MD बटन को लॉक करता है। पैनल टू ये हमारे अप डाउन बटन और ऑपरेशन प्रोग्रामिंग बटन को ऑफ करता है। लॉक थ्री ये पूरे पैनल को लॉक करता है। लॉक ऑफ पे हम फिलहाल रखेंगे, ठीक है। थैंक यू, इतना ही है इसके अंदर।